नमस्कार, समाचार टाइम 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन झा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शतक। 4 फरवरी 1916 जो बसंत पंचमी का दिन था, उसी दिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी। इसको सोचने वाले और पहला कदम उठाने वाले थे पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने सोचा था शिक्षा को सर्वश्रेष्ठ बनाना एक गुलाम हिंदुस्तान में। 19वीं सदी का भारत, जब देश ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था, गुलामी की प्रताड़ना और विदेशी हुकूमत के शासन में देश सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा शैक्षणिक क्षेत्र में राष्ट्रीय पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा था। इस समय देश के अनेक सपूत ब्रिटिश हुकूमत से देश को मुक्त कराने में अपना सर्वस्व लगाए हुए थे और साथ ही एक खुशहाल भारतवर्ष का सपना संजो रहे थे। देश के इन्हीं महान सपूतों में से एक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। महामना कई मायनों में अनन्य थे। विशाल और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी मालवीय जी एक महान समाज सुधारक, निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी, कुशल राजनेता और आडंबर रहित धर्म परायण व्यक्ति थे। किंतु इन सबसे ऊपर थी उनकी दूरदर्शिता। एक खुशहाल उन्नत देश की स्थापना के लिए महामना का स्पष्ट मत था कि देश के नौजवानों को श्रेष्ठ उच्च शिक्षा हासिल होनी चाहिए। यद्यपि देश में उच्च शिक्षा की नींव 1857 में ही पड़ चुकी थी, जब बंबई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, किंतु उस समय के सभी विश्वविद्यालय ब्रिटिश शिक्षा पद्धति का अनुसरण कर रहे थे। देश प्रेम में रचे बसे मालवीय जी देश में शिक्षा का एक ऐसा केंद्र चाहते थे जहां आधुनिक विज्ञान, तकनीक और वाणिज्य के साथ साथ देश की संस्कृति, कला, साहित्य, धर्म और प्राचीन दर्शन का समेकित रूप में अध्ययन हो, जहां पूर्व और पाश्चात्य शिक्षा पद्धतियों का सौहार्दपूर्ण सम्मिलन हो, जहां से निकला छात्र ज्ञान के क्षितिज पर वैश्विक होते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़ा हो। वर्ष 1904, मालवीय जी के इस विचार को मूर्त रूप मिलना प्रारंभ हुआ जब महाराजा बनारस की अध्यक्षता में धर्म और संस्कृति की नगरी काशी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया। मालवीय जी ने इस महान यज्ञ की पूर्ति हेतु 51 रुपए का पहला दान अपने पिता से ग्रहण किया। मालवीय जी के सत प्रयासों को दो व्यक्तियों का महत्वपूर्ण सहयोग मिला, श्रीमती एनी बेसेंट तथा महाराजा दरभंगा। दोनों ने तत्कालीन ब्रिटिश सरकार से रॉयल चार्टर के तहत हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की मालवीय जी की मांग का समर्थन किया। श्रीमती एनी बेसेंट ने 1898 से संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज को काशी हिंदू विश्वविद्यालय को सौंप दिया। 4 फरवरी 1916 दिवस बसंत पंचमी। मालवीय जी का स्वप्न साकार हुआ जब हजारों लोगों की उपस्थिति में वायसराय लॉर्ड होर्डिंग ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी। रियासतों के राजाओं से लेकर आम आदमी तक, उद्योगपतियों से लेकर ग्रामीण कृषक तक, संपूर्ण देश से आर्थिक सहयोग लेकर मालवीय जी ने इस महान परिसर का निर्माण किया। लगभग 1360 एकड़ के विशाल भूभाग पर फैला यह विश्वविद्यालय वास्तुशिल्प का एक बेहतरीन नमूना है। विश्वविद्यालय का अभिन्यास एक उगते सूर्य के समान है। भारतीय दर्शन के अनुसार उगता सूर्य ज्ञान के फैलते प्रकाश का द्योतक है।
अब हम बताते हैं आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पांच रोचक तथ्य। बीएचयू के पांच ऐसे रोचक तथ्य जिसे आपने ना कहीं सुना होगा ना ही किसी ने आपको सुनाया होगा। निजाम से लेने गए थे सहयोग राशि, लेकिन निजाम ने दिया जूता। पंडित मदन मोहन मालवीय सहयोग राशि के लिए हैदराबाद के निजाम के पास पहुंचे। निजाम ने उन्हें अपना जूता दे दिया। फिर मालवीय जी ने जूते को नीलाम करने लगे और ये खबर जब निजाम के पास पहुंची तो निजाम बहुत शर्मिंदा हुए और मालवीय जी से माफी मांगते हुए सहयोग राशि के रूप में 45 लाख रुपए दिए। क्या आपको पता है कि बीएचयू में आइंस्टाइन पढ़ाना चाहते थे? उस वक्त के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पंडित मालवीय को पत्र लिखकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय मालवीय जी बनारस से बाहर थे और उन्हें पत्र नहीं मिला। मालवीय जी को जब इसका पता चला तब तक आइंस्टाइन अमेरिका में बसने की तैयारी कर चुके थे। शिक्षा के साथ बीएचयू नेशनल मूवमेंट का भी केंद्र रहा। 1942 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के 25 साल पूरे हुए। इस साल भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू हुआ। करीब 3 महीने तक कक्षाएं नहीं चली। यूनिवर्सिटी में सेना ने कब्जा कर लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन और अन्य नेशनल मूवमेंट में भी यहां के छात्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 1919 में विश्वविद्यालय के अंडर में बनारस इंजीनियर कॉलेज शुरू हुआ। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी और फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री कोर्स पहली बार यही शुरू हुआ था। हॉस्पिटल, म्यूजियम, 72 हॉस्टल्स, पेट्रोल पंप, शॉपिंग सेंटर, एयर स्ट्रिप, हेलीपैड्स और IIT, ये सब कैंपस में ही मौजूद हैं। 5.3 वर्ग किलोमीटर में मुख्य कैंपस के लिए जमीन काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह ने दी थी। ये थी हमारी खास पेशकश बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शतक। अब मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24।